सबकी आंखों का तारा पर है बेचारा। नैन सुख जहाँ देखो ये मार जाता है जंगी, सोने पे सुहागा है ये बहुत घमंडी, भारी भरकम जैसे पूरी सब्जी की मंडी पर है बेचारा। नैन सुख सुनो इसे चाहे गीत कविता ये छन, न समझो इसे बेवकूफ है ये अक्लमंद, अच्छों अच्छों की कर दे बोलती है बन पर है बेचारा। नैन सुख जब जब दिखे इसे आंखों से कम, तीखी नजरों का दावा करे हर दम, सोचे तक देर क्यों हुई बेरहम, लगे बड़ा ही प्यारा। नैन सुख आया देख दौलत का मारा, समझे है सबकी आंखों का तारा पर है बेचारा। नैन सुख बड़ी मुश्किल से संपन्न होता है नैन सुख का विवाह। सुहागरात की रात को भी नैन सुख को मदद लेनी पड़ती है अपने प्यारे सेवक की। सब ठीक है। कहा आपने? सब ठीक है। और फिर हनीमून मनाने पहुंचते हैं मसूरी अपने ही होटल में। आइए वेलकम सर, वेलकम। अरे बाप रे, यहाँ वो लड़कियां बदला लेने आ पहुंचती हैं जिनको नैन सुख ने कभी शादी के लिए रिजेक्ट किया था, और नई नवेली दुल्हन चली जाती है रूट के। बेचारा नैन सुख पत्नी को याद कर अकेलेपन में खूब रोता है, और सुनैना अपनी गलती का एहसास कर वापस आ जाती है। कितनी बार कहा है मुझे तंग मत करो, तुम मुझे फोन मत किया करो, तुम बिल्कुल पागल हो। बस अब मैं फोन रखती हूँ और फिर से फोन नहीं करना। हाँ नहीं, मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें नहीं मिल सकती। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ क्या, किसका फोन था? एकदम पागल है, कहता है तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। कौन है बेटा जो तुझे इस तरह परेशान कर रहा है? इसने शाहरुख खान की डर फिल्म देखी होगी। नहीं, ये कोई मवाली होगा। आजकल के लड़के ये फिल्में देख देख कर वो नेगेटिव रोल करने लग गए। हाँ मैं आपसे गोली मार दूंगा। दीदी तुम उसका नाम बताओ, हम उसको पुलिस में बंद करा देंगे। अरे जब जेल में चक्की पीसेगा ना तब उसके होश ठिकाने होंगे। हाँ कमबख्त पापी नीच गधा जंगली जानवर। बस अब मैं उसका नाम बताती हूँ, फिर आपके जो भी दिल में आए करना। हाँ बेटा बताए। महेश चंद मिर्गी वाला। बेटा तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज भी गुम हो गई थी माँ, आप लोगों ने बता नहीं दिया मुझे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि बताना, क्या वो आए तो खुद ही पूछ ले। बड़ा मजा आएगा तो। अरे मजा आ गया, यानी कि खट्टा और मीठा दोनों। वो अरे कब? मामा कह रहे थे कि लो आ गए। अरे ये तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह निकले। मैं जाकर रिसीव करती हूँ, चल चलो मेरे साथ। चलिए चलिए। आप खड़े क्या कर रहे हैं, चलिए ना। जाओ जाओ मैं भी आता हूँ।
क्या बात है सोनू डियर, जीजू तो कुछ ज्यादा ही उतावले नजर आ रहे हैं। क्या जादू कर दिया? चल बेशरम। हाय, इसी अदा ने तो जीजू को लूट लिया। चुप कर। अरे वाह जीजा, बड़ी जल्दी पहुंच गए। कहीं पास से फोन कर रहे थे क्या? अरे इन सब की क्या जरूरत थी, यूं ही तकलीफ की। ठीक है मम्मी, मैं वापस ले जाता हूं। अब ले ही आया तो दिल थोड़ी तोड़ेंगे तुम्हारा। आ जाओ आ जाओ। हाय जीजू, कैसे हैं? वो सुनैना कहाँ है? अरे जीजू पहले हमसे तो मिल लो। वो सुनैना दिखाई नहीं दे रही। बेटे हमें देख लो, हम भी यहाँ आए। ओ जल्दी, कैसे हैं आप? बेटे हमारी धड़कन ठीक तो हम जी। अंदर ही है अभी। अरे तो खोल के दिखाता हूँ। ये मम्मी आपके लिए साड़ी। साड़ी? अरे वाह, कितनी सुंदर है। 2000 की लगती है? 4000 की। 4000? सुना आपने? आपने तो कभी मुझे 400 की साड़ी लाके नहीं दी। मेरे दामाद को देखो, मुझे 4000 की साड़ी लाके दी है। अरे डैडी आपके लिए शर्ट पीस। बेटे लोकल मिल का लगता है। सबसे महंगी लोकल मिल्का। कभी पहना हो तो पता चलो ना, मेरा दामाद सबसे महंगी लोकल मिल्का कपड़ा लाया आपके लिए। हाँ। और ये चुलबुली तुम्हारे लिए और मेरे लिए। कितना अच्छा सूट। थैंक यू जीजू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ठीक है जीजा, सिर्फ रुमाल? ठीक है, याद रखूंगा आपको। ये आप ही के काम आएगा जब आप रोएंगे। तुमने याद किया और हम हाजिर। हाँ, ये अरेंजमेंट कॉलेज में नए आए स्टूडेंट की तरह होती है, जिसका क्रेज पढ़ने से ज्यादा मिलने में होता है। हम नए स्टूडेंट कहाँ है? हमारी शादी को 10 रातें, 11 दिन, 10 शामें और 14 घंटे हो गए। और मुझे अपने मम्मी के घर पे आके 2 दिन ही नहीं हुए और तुम आ गए मुझे लेने। तुम्हें पता है 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, और इन 48 घंटों में माँ तुम्हें 480 बार याद कर चुकी है। डार्लिंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। माँ याद कर रही है माँ का बेटा? जब तुम्हें पता है तो फिर पूछती क्यों हूँ? ये तो बड़े वो है। तुम्हारा नाम क्या है? चालू 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 चालू। माँ पूछ रही है कि नाश्ता करोगे या घर से भूखे आए हो? पूछने वाली बात है, नाश्ता करेंगे। बहना नाराज क्यों हो रही है? सॉरी टू डिस्टर्ब। तुम्हें बुरा लगा? नहीं तो, लेकिन तुम्हें गुस्सा जो आ गया था। चालू ने बात ही कुछ ऐसी की। चलिए नाश्ता कर लेते। चले जीजू एक और। बस बस चुलबुली, और कितना खिलाओगी? और बेटा महेश, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। डैडी आपके आशीर्वाद से मैं 5 करोड़ का एक नया प्लांट लगाने की सोच रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, 5 करोड़ का प्लांट? पौधे इतने महंगे हो गए क्या? प्लांट का मतलब है फैक्ट्री, पौधा नहीं। जीजू ये इनकम टैक्स वाले आपको कुछ नहीं कहते क्या? कहते हैं, मुझे सावधान करते हैं कि मिस्टर महेश शहर के दूसरे रईस आपके टैक्स के बराबर पहुंचने वाले हैं, और मैं ज्यादा मेहनत करके अपना नंबर पहला बना लेता हूं। शहर का सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में से जो हूं। क्या बात है सुनैना बिटिया, तुम कुछ चुप सी हो। जीजू तुमने कुछ कहा क्या? अजी हमारी इतनी हिम्मत कहां? तो फिर आ जाते, यहां पर रुक क्यों नहीं जाते? तो क्या तुम लोग आज ही जा रहे हो?
आज की रात ये रुको ना जीजा। चालू मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, तुम्हारा यू जी करो। ठीक है जी। अब तो जीजा तो रुकना पड़ेगा। मैं रुकूंगा। अरे कैसे नहीं रुकोगे, आपकी गाड़ी को आग लगा दूंगा। मैं नहीं रुकता माँ, बोलो ना। बेटा बच्चों की खुशी के लिए रुक जाओ। नहीं मम्मी, वो मेरी माँ। अच्छा, अपनी माँ की बड़ी चिंता है, और अपनी बीवी की माँ जो रिक्वेस्ट कर रही है उसकी कदर ही नहीं। सुने ना, तुम समझाओ ना। रुक जाओ, हमारा जीजा, हमारा जीजा, हमारा जीजा, हमारा जीजा। रुक गया, रुक गया, मान गया, मान गया, मान गया, मान गया, मान गया। के लिए हम अकेले तो मिले, वरना तुम्हारे भाई बहन हमें छोड़ ही रहे थे। अकेले मिले तो तुम, तुम्हें बताना होगा। अरे बाहर बैठे बैठे तुम्हें तुम्हें प्यार करने को भी तरस गया। आप तो सारा समय इस वक्त में आपको कोई शरारत नहीं करने दूंगी। हाँ, शरारत करने का लाइसेंस है मेरे पास। आप तो बड़े बोले, कोई आ गया तो? किसी पड़ोसन के साथ नहीं बैठा हूँ, अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ। कोई आता है तो आ जाए सर। कितने दिन में आ जाओगे? मेरा मतलब घर से भाग के तुम जा रहे हो ना। क्या मतलब, आपकी गाड़ी के साथ भी जाऊंगा। जीजू, मैंने सोचा आप बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, क्या करें, करना है कुछ काम। जीजू आपको एक चुटकुला सुनाऊं? सुनाओ सुनाओ। पता क्या हुआ, एक बार एक मच्छर और एक मक्खी दोनों की शादी हो गई। फिर वो दोनों गए हनीमून मनाने। कहाँ गए? हाँ मसूरी। जब वो दोनों लौट के आए तो मच्छर कुछ परेशान सा था। उसके दोस्तों ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, मक्खी तो ठीक ठाक है ना? तो मच्छर ने कहा, अरे यार वो तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल भी है, कॉपरेटिव भी है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उसके दोस्तों ने पूछा, हाँ भाई बता यार प्रॉब्लम क्या है? तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, जब वो रात को सोती है ना तो मच्छर भगाने वाली दवाई लगा कर सोती है। क्या हुआ जीजू, पसंद नहीं आया क्या? अच्छा अच्छा। और मेरी अच्छी साली जी, एक कप अच्छी चाय और बना के लाओ। क्या जीजू, कितनी चाय भगाना चाहते हो क्या? सुने ना, हम फिर अकेले। ओए जीजा, ओए आप अभी तक ही डटे हुए हो? ये लो आपकी चाबी। चाबी? मेरी चाबी तो मेरे पास बैठी है। मैं बहन की नहीं बात कर रहा, आपकी कार की चाबी की बात कर रहा हूँ। चाबी ही लाए हो या कार भी? कार तो आपकी बेकार है, तो खरीदने को तैयार ही नहीं होता। खरीदार के पास इतने पैसे नहीं होंगे, पूरे शहर में मेरे पास ही है ऐसी कार, समझे? थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। कितनी देर में? पौने छह हुए हैं, 15 मिनट और। मुझे अभी से तैयार होना पड़ेगा। मैं तो अपने साथ नाइट सूट भी लाया, मैं रात को पहनूंगा क्या? कोई बात नहीं, डैडी का गाउन पहन लेना, इसमें इतना घबराते क्यों हो, अभी तो रात भी नहीं हुई। आज वार क्या है, डे क्या है? डे डे आज वीर डे है और थर्स वार है। थर्स डे है और वीर वार है, यानी कि बृहस्पति। ओहो, आज तो मेरा मौन व्रत शुरू होने वाला है 6 बजे के बाद। उस वक्त के बाद मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। चाय जीजू, शाम को मेरी सहेली आ रही है आपको देखने के लिए। क्यों, मैं कोई जंगल से आया हूँ? मिलने ही तो आ रही है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलता। क्यों? अरे भाई मैं, मेरा मौन व्रत शुरू होने वाला है। जीजा यार एक बात बताओ, आप ये व्रत रखते किस लिए? मुश्किल से बचने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं सुना है कि जब मुश्किल आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम मुझे धमकी दे रहे हो साले? क्या हो रहा है आपको, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे 6 बज गए, मेरी तो सहेली आ गई होगी जीजू। मारे गए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
टिमसी और ये राधिका और ये है मेरे जीजू। जीजू आप इनसे बात करो, मैं अभी आती हूँ। हेलो जीजू। जीजू आपकी बोलती क्यों बंद है? शायद हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा। अजी वो तो कोई पागल ही होगा जिसे आपका आना अच्छा ना लगा हो। जीजू हमने सुना है आपने मौन व्रत रखा हुआ है। अब जब तुम आ गई हो तो कैसा मौन कैसा व्रत। जीजू आप आंखें क्यों चिपका रहे हैं? ध्यान से देख जीजू तुझे आंख मार रही है। काश ऐसा करे। आज बृहस्पति की खैर नहीं। क्यों जीजू? क्योंकि धूम केतु जो उससे टकराने वाला है। आप क्यों डर रहे हैं जीजू? हाँ मैं क्यों डरूं? टकराना तो धूम केतु को है? क्यों जी? तुम बाहर जाओ ना चालू, हमें जीजू से अकेले में कुछ बात करनी है। जीजू हाथ छोड़ो। जाओ ना भैया। भैया मेरा नाम चालू है। प्लीज चालू जाओ ना डियर। ओके ओके फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। ठीक है कल शाम को छप्पड़ के नीचे। ओके ओके वेस्ट ऑफ लक जीजू। गया? हाँ जी। चलो बड़ा टली। अच्छा जीजू मुझे आपसे एक काम है। क्या काम है बताओ बताओ। मैंने सुना है आपका ऑफिस लंदन में भी है। हाँ हाँ मुझे वहाँ का ड्रेस दे दीजिए ना। कभी लंदन जाना हुआ हो तो वहाँ से इंडिया फोन करना हो तो। मेरे कई ऑफिस हैं, पेरिस लंदन एशिया यूरोप, वहाँ सबका भी एड्रेस दूं क्या? लंदन का ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। गुड गुड सैलरी कुछ कम है। अच्छी सैलरी तो मैच में दे देता। ये ऑफिस मेरे ऑफिस का मुकाबला नहीं कर सकता। ये क्या क्या तुमने जीजू को प्लेट पेपर दे दिया? ये देखो मेरा एक्चुअल फाइनल लेटर। पढ़िए ना जीजू, इतने मोटे अक्षर है तिमसी के कोई अंधा भी पढ़ ले इसे तो। जीजू तुम कहती हो इतने मोटे अक्षर है कि अंधा भी पढ़ ले, तो क्या हम अंधे हैं? हम तो वो पत्र पढ़ेंगे जो आंखों वाला भी पढ़ सके। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, हमेशा आपके साथ आपके लिए। जीजू कैसी लगी मेरी सहेलियां? कैसे लगे तुम्हें मेरे जीजू? अच्छे हैं। ऐसे जीजू कहीं नहीं मिलेंगे। हमें कभी अपना चाय का बाग दिखाओ ना। इनके बाग भी है? हाँ मेरे जीजू करोड़पति हैं। शक्ल से तो नहीं लगते। मतलब शक्ल से तो बिल्कुल भोले मासूम आशिक हमारा लगते ए तुम दोनों कहीं मेरे जीजू पे लाइन तो नहीं मार रही? ये लो बेटा मिठाई खाओ। जीजा तुम भी खा लो। छह बजे के बाद सारी चीज मेरे लिए प्रसाद है। लाओ तो प्रसाद दे जीजा को। खाओ। नहीं सॉरी सॉरी ये खाओ नहीं खाओ। क्या कर रहे हो? ये लो बेटा। लो 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 खाओ बेटा। हाँ बेटा लो। मेरा दामाद तो देवता है देवता। मालूम है जब इन्होंने पहली बार हमारे घर में कदम रखा था तो हमें 2,00,000 रुपए का फायदा हुआ। 2,00,000। मैं बारी बारी सबके घर आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए चलिए। जीजू मैं इनको छोड़ के आती हूँ। बाय जीजू। मैं भी चलूँ छोड़ने? जाओ 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 जीजू जाओ। चलो चलो हफ्ते में आराम करो। वैसे भी है मेन डोर की जगह बाथरूम में छोड़ाएंगे। अभी तक कुर्ता पजामा भी नहीं आया। कोई कदर नहीं है मेरी ससुराल में। अरे मैं तो रिश्ता करके बसता है। जीजा
तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा लेकर आया हूँ, खुद पहनोगे या मैं पहना दूँ? तो पहनूंगा। ओके लो पहनो। सब बैठकर उनके साथ अंताक्षरी खेलेंगे। देखिए हमारा जीजा। क्या बात है, आज कॉमेडी सीरियल देख के आए हो क्या? नहीं, कॉमेडी सीरियल देखकर नहीं आ रहे, कॉमेडी देख रहे हैं। धामा जी, आपको एक कुर्ता कैसे पहनाया? कुर्ता नहीं, एयर कंडीशन कुर्ता। अरे इन्होंने खुद पहना है ना जीजा। हाँ हाँ, मैंने खुद पहना है। क्या मैं कुर्ता नहीं पहन सकता? चलो। वो बात ये है मम्मी कि हमारे देश की 40-50 करोड़ जनता गरीबी से नीचे है। ओहो, और मैं उनका दुख तो बांट नहीं सकता। क्या करता हूँ कि रात को फटा हुआ कुर्ता पहन के सो जाता हूँ भिखारियों की तरह। जी आप हमारे घर में तो राजा महाराजाओं की तरह रहे। मैं भी आपके लिए कुर्ते का इंतजाम करता हूं। मैं लाऊं जीजा? नहीं, ससुर जी लाएंगे। ये कुर्ते का इंतजाम करें। चलिए घर में। टॉयलेट कैसे जाऊं? क्या होगा, लगता है आज कोई मुसीबत जरूर होगी। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे इतना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो लाइट तो जलाओ।